जी हाँ जय आए चमचे सर। अब आप मुझे ही ले लो, मैं खुद भूल गया हूं कि मेरा साला बिल्लू जोकर है। अब वो जोकर है तो है, क्या किया जा सकता है। ओह माय गॉड्स, मॉम के साथ साथ कमिश्नर साहब को भी पता है कि बिल्लू जोकर है। चलिए मिस चौटाला, आईजी साहब वेट कर रहे होंगे, उनको ये जोकर के मामले की रिपोर्ट देनी है। चलिए। हाँ सर, और एक सर और मैं चाह रहे थे कि शाम को एक लाइब्रेरी भी हो जाए। वो मैंने फाइंड आउट करवाया है कि एक बुक है सर जोकर्स की साइकोलॉजी के ऊपर, तो मैं सोच रही हूँ जरा वो पढ़ लेंगे तो शायद कोई लीड मिल जाए केस में। गुड, वेरी गुड, यस। चलिए सर। चलिए, मैं भी जाऊंगा। आप क्या लेंगे वहां पे? वेल नहीं, वो नहीं मिलता वहां पे। वेल मैं दे रहा सर, आफ्टर यू। ये क्या जोकर जोकर लगा रखा है भैया? बिल्लू, बिल्लू मुझे पता चल गया है, वो तुम ही जोकर हो जो लोगों को पीट पीट के जिनकी सेल्फी खींचते हो। अच्छा, मैं वो हूँ, आपको पता चल गया है। हाँ, मैंने तुम्हें मास्क लगा के जाते हुए देखा था। ठीक है भैया, जब आपको पता चल ही गया है कि मैं ही वो खतरनाक जोकर हूँ, तो अब जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसा वैसा आपको करना होगा, वरना जोकर पीटेगा। ये क्या बदतमीजी है? जाओ जाकर मेरे लिए चाय और समोसे लेकर आओ। मैं नहीं लू सेल्फी। लेके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ, अभी लेके आता हूँ। वैसे मिस चौटाला, आपको किसने बताया कि लाइब्रेरी ना काफी रोमांटिक जगह होती है? yes! सर प्लीज आप मन्ने ना अभी काम करने दीजिए, आप रोमांस रोमांस की बात करके ना हमारा दिमाग ना खराब करिए अभी। चलिए प्लीज। हाँ तो ठीक है, करिए काम आप। नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम ठीक है। खफा हो गए के? ना ना ठीक है बिल्कुल। ये वक्त मिला नहीं। अरे भाई आप कौन? अरे मैं किताब कुमार, इस लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन हूँ। और तुम किताबें सो रही हैं। देखिए अंकल, हमें जोकर की साइकोलॉजी पर एक किताब चाहिए, हम उसी को ढूंढ रहे, और बुक का नाम है जोकर की मनोदशा, और हमने सुना है बुक यहीं कहीं है, हमें मिल नहीं रही है बस। जोकर की मनोदशा? करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, अरे आज से 30 साल पहले ये किताब आई तो थी, पर इस किताब को आज तक किसी ने नहीं पढ़ा, न पढ़ने के लिए मांगा। देखिए भाई अंकल जी, बात ऐसी है कि आपकी तो किताबें सोरी बढ़िया है, वेल एंड गुड, लकी चल रही है एकदम, पर हम नहीं ना चल रहे इतने लकी। हमको तो भैया एक जोकर ने जगा रखा है, क्योंकि उसने जो है मचा रखा कोहराम पूरे शहर में, एक आतंक मचा रखा, उसी को ढूंढने के चक्कर में यहाँ से वहाँ फिर रहे हैं हम। अरे तो फिर जब मगरमच्छ की तलाश है तो पानी में जाके तलाश करो ना, यहाँ तो सिर्फ किताबें ही।
किताबें सो रही हैं। अंकल अंकल कुछ नहीं है सही। आपका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी समझ में नहीं आया। अरे हमारा कहने का मतलब है कि अगर जोकर के बारे में कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो फिर जोकरगंज जाओ। किताबें सो रही हैं। एक मिनट जोकरगंज बात इस जोकरगंज कहाँ है? अरे ये रावणपुर है ना, वहां से 30 किलोमीटर दूर चिटपुटियागंज है, उसी के पास जोकरगंज है, बहुत ही रहस्यमयी जगह है। अंकल जी ऐसा है, ये जो रावणपुर है ना, उसके 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर उधर पूरा जो क्षेत्रफल है ना, उसे मैं घोल के पी गई हूँ। कोई जोकरगंज नाम की जगह ना है यहाँ, बेवकूफ मत बनाओ मन्ने। और इससे पहले आप ये सब करें, रुक जाइए, कुछ करना नहीं, हम सारा मैप देख चुके हैं, वहां जोकरगंज नाम की कोई जगह नहीं है। अंकल जी पिटे हो कभी? हाँ? कोई नहीं सर, एक जेनरिक क्वेश्चन पूछा है मैंने, नहीं मतलब एक पता रहना चाहिए ना, मतलब हमारी दिल की बात आपने कह दी। नहीं मतलब फिर क्यों आदमी ऐसा हो गया? हाँ भाई दिखाइए। ये देखो, ये है रावणपुर और ये पपलू पहाड़ के पीछे जोकरगंज। ये जगह बहुत ही रहस्यमयी है, इस जगह में कोई नहीं जाता, और जो किताबें सो रही हैं। जोकरगंज। ओ बिल्लू, अब मैं बिल्लू की फोटो खींच के ना मम्मी जी को दिखाऊंगा, फिर उनको बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ, फिर उनको पता चलेगा बिल्लू ही है असली जोकर इज़्ज़ा, मेरी बीवी मुझे समझती है नौकर इज़्ज़ा। वेल ब्रो तेरा ड्रामा हो गया बस इज़्ज़ा, ज्यादा मत हंस इज़्ज़ा। मेरे साथ सेल्फी खिंचाएगा? सेल्फी नहीं, अब मॉम खींचेंगे तेरी खाल इज़्ज़ा, जब उनको पता चलेगा सारा तेरा है ये बवाल इज़्ज़ा। अगर सेल्फी नहीं खिंचाई ना तो जो कर पीटेगा। मारेगा ऐसे कैसे मारेगा? सेल्फी खिंचवाओगे? खिंचवाऊंगा, सेल्फी खिंचवाऊंगा, 5-6 इकट्ठी खींच ले, मैं खिंचवाऊंगा। स्माइल करो। थोड़ी और स्माइल करो, बस इतना ही मुंह खुलता है मेरा। Hee hee hee!
अरे जरा पॉज तो ले, तो बीच में कोई बोले कुछ क्या? रे जो गोपी कह रहा है वो बात सही है? नहीं मैडम, मैं तो बस वो मैडम मैं वेल मॉम, मैंने इसका किया पीछा इसदा, इसने मुझे पीट के मेरा सेल्फी खींचा इसदा। कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप, मैं आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ भैया, बड़ा भाई, और मैं अपने बड़े भाई के साथ ये सब कुछ करूंगा? मैंने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं भूल के भी आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता हूँ भैया। बेहया बेगरत, दो टके का सड़क छाप आवारा मवाली गुंडा, आज नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। कुछ हुआ था क्या? इज्जत अफजाई हुई थी थारे द्वारा अपने भैया की, बस डंडे से चार चांद लगने ही वाले थे कि सर ने मजा किरकिरा कर दिया। वेल मॉम, मैं सच कह रहा हूँ जी, मैंने अपनी आंखों से इसे जोकर का मास लगा के जाते हुए देखा जी, और ये वही जोकर है जो लोगों को पीट के उनके साथ सेल्फी खींचता है। बिल्लो बता दे बेटा, सच बता दे, कल तू जोकर का मास्क पहनकर बाहर निकला था क्या? बोल ना। हाँ सर, मैं गया था। लेकिन मैं वो जोकर नहीं हूं मैडम। भैया आपको जिस जोकर ने पीटा, आपके साथ सेल्फी ली और सब जगह अपलोड कर दी, वो फोटो मैडम मेरे मोबाइल में भी आई है मैडम, ये देखिए, ये है वो जोकर। तू अपनी बता, तू किस खुशी में चेहरे पे जोकर का मास्क लगा के निकला था? लड़की देखने गया था तू शादी के लिए? ओ बिल्लू। नहीं मैडम, वो मैंने ये सोचा कि आपकी नजरों में ऊंचा उठने के लिए यही सही मौका है, अगर मैं जोकर को पकड़ लूंगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगी, इसलिए सिर्फ मैंने ये सब कुछ किया। अबे मारी नजरों में तो उठेगा कि गिरेगा वो बात दीगर है, पर ऐसी हरकतों से एक दिन हमारे हाथों से जिंदगी से जरूर उठ जाएगा तू। अरे मैं चौड़ाला, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। देखिए इसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसका इंटेंशन तो सही था। अरे सर तेल लेने जाए इनके इंटेंशन, नहीं मैंने इनके इंटेंशन का अचार डालना है, मैंने इंटेंशन इनकी हो गए, टेंशन मारी बढ़ जावे ना, जो चीज नहीं है कितनी बार खाए उसका इस्तेमाल ना किया करो, दिमाग लड़ाने की जरूरत ना है, मैं पकड़ूंगी उस जोकर ने और इस काम के लिए हम लोग जोकर गन जाएंगे। हाँ ठीक है चलिए हम सब चौड़ाला, लेकिन अगर हम सब जाएंगे तो फिर चौकी कौन संभालेगा? चौकी आप संभालेंगे सर, क्योंकि जोकरगंज हम तीनों जा रहे हैं। नहीं नहीं चौड़ाला, हम आपको ऐसे अकेले जाने नहीं दे सकते, अनजान जगह है वो, और याद है वो लाइब्रेरी ने क्या कहा था, वो जोकरगंज काफी रहस्यमय जगह है। सर रहस्य राज और मिस्ट्री हमारे संगी साथी हैं, इनसे क्या डरना, आप चौकी संभालिए, मैं बहुत जल्द इस रात से पर्दाफाश कर दूंगी, तैयारी करो, कल सुबह ही हम जोकरगंज के लिए कूच करेंगे। ओ बिल्लू। वेल एक्सक्यूज मी मॉम, अगर ये ओल्ड मैप झूठा हुआ तो, अगर कोई जोकरगंज नाम की जगह ना हुई तो, अगर थारी बकवास सुन के हमारा दिमाग सटक गया तो, फिर मैंने तने चलती गाड़ी से अगर बाहर उछाल फेंका तो, वाला आई एम सॉरी इज द ट्रक कार एंड लॉरी इज द
करवा ली बेइज्जती। अरे चुप रहो ना यार तुम दोनों। और हाँ, ये बर्दी में क्या कर रहे हो? जोकरगंज बर्दी में जाओगे? कतई वहां अनाउंस करते हुए पोस्टर लगवाते हुए कि भाई पुलिस आ गई है, सतर्क हो जाए जोकर जो भी है। नहीं नहीं, बैग है बिल्लू के पास, बैग है उसमें है, वो रास्ते में कोई रिसोर्ट आएगा ना अच्छा सा, वहां फ्रेश होके हम बदल लेंगे। अरे चाचा ने खोल रखा है रिसोर्ट वहां पे। ओ भैया मैं बैग भूल गया हूँ। फिर कैसे तू बैग भूल गया? तू सांस लेना तो नहीं भूल जावे कभी? बैग भूल गया तू? ऐसा है मैं जोकरगंज जो है ना, तुम दोनों ने वर्दी में तो घुसने दूंगी नहीं। वहां तक पहुंचने तक अगर कोई इंजाम हो गया कपड़ों का तो बेल एंड गुड, वरना अंदर जो पहन रखा है ना वर्दी के उसमें होगी एंट्री तुम्हारी। एक बिपाशा की हुई थी नो एंट्री, एक तुम्हारी होगी इंटरनेशनल एंट्री। ओहो, बड़ा सही धन। कुछ हुआ था क्या? कूदा नीचे, कूदा नीचे। उतर नीचे, मैं चलाऊंगी गाड़ी, उतर नीचे। सॉरी मैडम, आपको तो पता है ना कि मुझे भूलने की बीमारी है। पर यमराज को ना है, कतई झांक लिए थे अंदर गाड़ी के कि भाई कितने मेंबर बैठा के लेके जाने मैंने आज भैंसे पे। ओ बिल्लू क्या यार, एक से बढ़कर एक। जोकर जोकर जोकर,